अब तक आपने देखा, राजकुमारी कुंती नवजात करण का त्याग करती है और सुषेण अधीरथ करण की रक्षा कर उसे घर ले आते हैं। राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। ये जानकर राधा, कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य। करण के जन्म का रहस्य गांव वालों से गुप्त रखने के लिए परिवार समेत अधीरथ शंकुप्रत की ओर प्रस्थान करता है। करण कहाँ है महाराज? वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। करण कुंती के साथ है ये जानकर अधीरथ चिंतित होता है और तभी करण स्वयं अपने शरीर पर कवच देखकर अचंभित हो जाता है और वह अपनी आपबीती कुंती को बताने ही जा रहा होता है कि करण, ये करण है मेरा पुत्र। और कुंती कहती है, आपका पुत्र बहुत तेजस्वी, ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। अब आगे, पुत्र हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी देने का कर्तव्य तुम्हारा है। असंभव है ताऊ। हाथों ऋषि किंदम की हत्या हुई है। माद्री के कहने पर मैं स्वर्ण हिरण का आखेट करने गया था। जब भूल से ऋषि किंदम को मेरा बाण लगा तब वे अपनी पत्नी के साथ थे। मेरे एक ही तीर से उन दोनों के प्राण चले गए। तुझे मैं श्राप देता हूं, यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पत्नी को कभी संतान प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरा श्राप है, आश्राप है मेरा, आश्राप है मेरा, श्राप है मेरा, श्राप है मेरा। मेरे माध्यम से मेरी पत्नी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती था। तो क्या ये हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि उसका सिंहासन सदैव रिक्त रहेगा? किसी चमत्कार, मंत्रबल अथवा नियोग से यदि मेरी पत्नी को कोई पुत्र प्राप्त हो तो उस पुत्र को दत्तक लेकर भी मैं उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ईश्वर करे ऐसा कोई चमत्कार हो। चलो आ जाओ, चलो बैठो यहाँ। देखा, कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। माता का प्रेम ना सही
परंतु माता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्य। माता मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। करण को पालना ही मेरी जीवन की एक पीड़ा है। करण, पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? कोई पीड़ा तो नहीं ना तुम्हें? आज रात जो है तुम घर से बाहर कर। करण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है, मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़। राजकुमारी, आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। कर्ण, पुत्र, समय और रुक जाते अधीरथ महोदय। रात्रि का समय, आप कल प्रातःकाल प्रस्थान कर सकते हैं। कल प्रातःकाल बहुत देर ना हो जाए। राजकुमारी, कर्ण की माता चिंतित होगी। राजकुमारी के चरण स्पर्श करो और उनसे आज्ञा ले लो। स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती, इसलिए मैं हमेशा स्मरण रखूंगा।
पत्नी को समझाओ सुषेण, उन्हें बताओ कि महारानी कुंती को उसके पुत्र से कितना प्रेम था। कर्ण क्रोध का नहीं प्रेम का अधिकारी है। यदि वो अभी भी नहीं मानी तो मैं कह देता हूं कर्ण को मैं अपने साथ ले चलूंगा, अन्यथा महारानी कुंती के पास छोड़ जाऊंगा। उन्हें भी पुत्र का प्रेम मिल जाएगा। नियति का खेल भी विचित्र है। कर्ण को माता का प्रेम नहीं और महारानी कुंती को संतान की कोई संभावना नहीं। तात्पर्य? ऋषि किंगडम का श्राप है महाराज को। यदि उन्होंने अपनी पत्नी को स्पर्श भी किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। महारानी कुंती को कभी संतान नहीं हो सकती। अभी आपका पुत्र बहुत तेजस्वी ऐसा बालक किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। अधिराज, अधिराज, नियति का खेल भी विचित्र है। कर्ण को माता का प्रेम नहीं और महारानी कुंती को संतान की कोई संभावना नहीं। विस्मरण हो गया आदिरथ महोदय? नहीं देवी, किंतु जिस बालक का उत्तरदायित्व आपने मेरे सर दिया था उसके भविष्य का स्मरण हो गया। एक सी का बालक कुछ समय के लिए एक छोटी से घड़ी में छुप सकता है, वहां पल नहीं सकता। कर्ण की दिव्यता मेरे आवास में कैसे पल सकती है? हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार है उसका। उसका अधिकार है राजकुमारी कुंती की ममता पर। नहीं आदिरथ, कर्ण को कभी हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि कर्ण महाराज पांडु का पुत्र नहीं। क्षत्रियो में नियोग के माध्यम से भी पुत्र प्राप्त होना उचित माना गया है, किंतु उस पद्धति में समग्र परिवार की सहमति होती है। विवाह से पूर्व जन्मा बालक स्त्री के पति की संतान कभी मानी नहीं जा सकती। राजकुमारी का ये रहस्य यदि प्रकट हो गया तो महाराज क्रोध में आकर राजकुमारी का त्याग भी कर सकते हैं। महामहिम, इस बात को हस्तिनापुर का अपमान मानकर कुंती राष्ट्र पर आक्रमण कर सकते हैं। जब माता सीता की पवित्रता पर संदेह होता था तो राजकुमारी का क्या होगा, कर्ण का क्या होगा? तो क्या राजकुमारी की कोख से जन्म लेना कर्ण का दुर्भाग्य है? माता तो केवल जन्म देती है आदिरथ, भाग्य तो विधाता देते हैं। कर्ण को प्रेम और परामर्श दीजिए, उससे अधिक उसे समाज से और कुछ नहीं दिला पाएंगे आप। तो समाज के भय से मैं कर्ण को उसकी माता के प्रेम से वंचित रखूं? अधीरथ महोदय, आप लौट आए?
आपकी ओर से कर्ण के लिए कोई भेंट प्राप्त करने आया। बच्चों के स्मरण कच्चे होते हैं। आपकी दी गई भेंट कर्ण के लिए आपके स्मरणों का आधार बन जाएगी। कर्ण पुत्र, तुम्हें भेंट में देने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं। केवल इस अंगूठी के। इसे संभाल कर रखना। जीवन में एक बार इस अंगूठी के बदले तुम्हें हस्तिनापुर से वरदान प्राप्त होगा। आदिरथ महोदय, आपने महाराज कुंती भोज तथा कुंती राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है और दुख की बात यह है कि आपका यह अनुग्रह कोई कभी जान नहीं पाएगा। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। देंगे दुख इस बात का है कि एक बार पुनः समाज के भय ने कर्ण को उसके अधिकार से वंचित कर दिया।